दोस्तों ये ड्रेस का आधा भाग है, यानी कि इसको 15 इंची पे काटेंगे हम लोग, 15 इंच पे। तो हम लोग पहले इसको स्ट्रेट मार्क कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट शोल्डर लेंगे। इसका शोल्डर था 15, लेकिन इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसका डीप गला है आगे पीछे, यानी फ्रंट एंड बैक डीप गला है, तो माइनस करके कट करेंगे। 13.5 पे मार्किंग करेंगे हम लोग। जिसका डीप गला होता है उसको माइनस करना पड़ता है, और जिसका डीप गला नहीं होता है, जितना आपने शोल्डर मेजरमेंट किया उतना ही लेना पड़ेगा। तो इसका आर्म होल भी हम लोग 6.5 पे मार्क करेंगे। आर्म होल का 6.5 पे मार्क कर लेंगे, और इसका गला है 7.5 इंच का, और इसकी लंबाई हम लोग लेंगे 15 इंच। 14 पे बॉडी रेडी होना चाहिए, जैसे ब्लाउज कट होगा वैसे ही होता है ये। आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे, और नीचे स्ट्रेट करके उसके बाद थोड़ा शेप स्केल से हम लोग मार्क करेंगे। शेप स्केल से मार्क करने के बाद ये मार्क कर लिए। तो दोस्तों अभी इसकी बॉडी है 36 हम लोग फिट लिए थे, मतलब बॉडी से बॉडी मेजरमेंट है। तो इसका बॉडी में हम लोग 4 इंच लूजिंग छोड़ेंगे और कमर में भी 4 इंच लूजिंग छोड़ेंगे। तो यानी कि ऊपर आएगा 40 और नीचे आएगा 36। इसका 32 का चेस्ट है, सॉरी 40 का चेस्ट, मतलब 36 का चेस्ट है, और कमर थी, वेस्ट थी इसकी 32, यानी कि प्लस 4 इंच पे करेंगे तो 9, और 1.5 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। और अब हम लोग शेप स्केल से शेप ले लेंगे। ये शेप लेने के बाद अब हम लोग आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, और आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हम लोग इसका जो आर्म होल बैठना चाहिए 8 इंच पे रेडी आना चाहिए, 8.5 पे ये कटेगा। देखो मैं राउंड करके आपको बताता हूँ, 8.5 पे ये कट होना चाहिए क्योंकि आधा इंच दबेगा, और इस साइड तो हमारी मार्किंग है, मार्जिंग है, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेम टू सेम स्लीव भी आपका 8 इंच पे ही कटेगा, तब ही बैठेगा। और इसका गला मैंने पैटर्न पहले ही काट लिया था क्योंकि मुझे 1 इंच का, 1 इंच में एक पॉइंट कम चाहिए था गले के लिए, तो मैंने पैटर्न काट के रख लिया है। तो मार्किंग कर लेता हूँ मैं, गला नहीं कट करूँगा मैं, फैब्रिक में कट करूँगा, दूसरे वाले में फ्यूजिंग में कट करूँगा, और उसको फ्यूजिंग करने के बाद इसमें ब्लैक पट्टी से इसका गला बनेगा। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद मैं इसके बाद फ्यूजिंग कट करूँगा। ये हमारा बॉडी कट हो गया। ये सिर्फ आप लोगों को गला बताने के लिए मैं इतना कट किया हूँ, मेरा मेन मकसद था आप लोगों को गला कैसे बनाना है हमें अंदर से बाहर पलटी करके, और ऊपर हम एक कट लगा लेंगे 3 इंच पे, जो हमारा गले का, और ये ऊपर भी एक 3 इंच वाला हम कट लगाएंगे, सेंटर भी कट लगा लिया हमने, और ये क्रीज भी ले लेंगे। तो ये हमारा राउंड वी नेक का मार्किंग हो गया, और साइड का भी कट लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट रेडी है, मैंने इसका डीप नहीं कट किया। अब हम लोग फ्यूजिंग कट कर लेंगे, मैंने पैटर्न पहले ही काट लिया, मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि। तो ये हमारा फ्यूजिंग में कस्टमर ने बोला मुझे 1 इंच में एक पॉइंट कम चाहिए पट्टी, तो मैं सेम टू सेम वैसे ही कट कर रहा हूँ। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे 1 इंच में एक पॉइंट कम। अगर आपको भी ऐसी शेप और बराबर चाहिए तो आप पहले पैटर्न कट कर लो, बाद में फ्यूजिंग में कट करो। अगर आप डायरेक्टली फ्यूजिंग में कट करोगे तो आपका थोड़ा आड़ा टेढ़ा भागेगा। तो ये हमारा राउंडिंग भी बराबर आएगा, और गला जितना चाहिए उतना ही बैठेगा। तो ये हमारा 1 इंच में एक पॉइंट कम पट्टी हमने कट कर लिया है। आपको कैमरा में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये 1 इंच में एक पॉइंट कम है। तो ये हमारा गला हो गया। अब हम चलते हैं फ्यूजिंग पे। अब हमारा आयरन गरम हो रहा है। आयरन करने के बाद हम चारों तरफ से इसको कट कर लेंगे। हमें जितना साइड से मार्जिन चाहिए उतना छोड़ेंगे, और इन साइड में जितना मार्जिन चाहिए उतना छोड़ देंगे। तो इन साइड में हम लोग को चाहिए 1 दाब की मार्जिन, और बाहर जितना पलटी करने के लिए चाहिए उतना हम फोल्ड करने के लिए।
तो अब हम लोग इसको फ्यूजिंग से आयरन से फिर चिपका लेंगे। हमारा फ्यूजिंग बहुत बेस्ट क्वालिटी है, जितना भी वॉश कर दीजिए ये ज़रा सा भी बबल्स नहीं देगा। बॉम्बे डैंग का हमारा फ्यूजिंग है, खास करके हम लोग इसके लिए मंगवाते हैं। तो ये हो गया फ्यूजिंग, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो हमें जितना फोल्ड करना है इसको उतना कट कर लेंगे, और इन साइड में एक दाब की मार्जिन छोड़िए दोस्तों। तो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए, और मुझे बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। और मेरी टीम भी लगी हुई है अच्छे से अच्छा वीडियो लाने के लिए, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊं, ताकि आप लोग भी देखो और समझो, सीखो, और मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं दोस्तों यूट्यूब पर नया हूं, तो इस वजह से थोड़ा मुझे बोलने में और वीडियो किस तरीके से बनाना है उसके लिए भी थोड़ा मुझे दिक्कत होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम लोग इसको फोल्ड करने के बाद डायरेक्ट मशीन पर जाएंगे। मशीन पर हम ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का काम है। गला कभी भी आप लोग फ्यूजिंग में कट करिए, कपड़े में कट करेंगे तो बराबर नहीं बैठता है, कभी भी फ्यूजिंग में कट करिए और उसके बाद लगाइए, बहुत अच्छा बैठेगा आपका गला का सेंटर, आपका हर एक चीज़। ये देखिए हमारे ये फ्यूजिंग हो गया, एक साइड फोल्ड हो गया। अब ये हम लोग इसको उल्टे से पलटी करेंगे सीधे की तरफ, तो हम लोग वाइट कपड़े में इसको लगाएंगे। प्लेन कपड़ा है, बहुत पैटर्न है इसके अंदर, अभी बहुत काम करना है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को गला बताऊँगा कैसे लगाना है और कैसे कट करना है सब। तो ये हमारा फ्रंट में हमने कट लगाया था, जहाँ पे सेंटर वहाँ से हम लोग ले लेंगे इसको, और बीच में जो क्रीज है उसका पॉइंट वहाँ मिलना चाहिए, देखिए जहाँ पे कारीगर ने उंगली रखा है, और ये इस तरीके से लगाएंगे तो आपका गला बहुत अच्छा बैठेगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। कमेंट से आप लोग फीडबैक दोगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, और मैं इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वीडियो पसंद आया या नहीं आया, और लाइक भी कर दोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ। तो ये सेंटर कट लगाएंगे और 2 राउंड के पास लगा लेंगे। ओके, अब हम लोग इसको पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद पहले किनारी की सिलाई लगाएंगे और नाखून थोड़ा मार लेंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि ये अच्छा बैठ जाएगा। और अंदर कपड़ा खींच के लगाएंगे, थोड़ा खींच के लगाएंगे तो आपका कपड़ा वाइट वाला ऊपर नहीं छलकेगा। पहले किनारी की सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में साइड वाली सिलाई लगाएंगे। इसमें आप और भी पैटर्न डाल सकते हो, इसमें गोल्डन धागे से आप सिलाई कर सकते हो, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को किस तरीके से चाहिए। ये हमारा पहला सिलाई हो गया, और ये सेकंड सिलाई मारेंगे, इसको भी किनारी की मारेंगे इस साइड से। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छे से अच्छा लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ पफ, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा गला हो गया तैयार, ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।